दोस्तों, देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर इनके पैर नहीं डगमगाते। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुछ मुश्किल पड़ोसियों से घिरा हुआ है, लेकिन इन जाबाजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेज हैं जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर रखती हैं। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं भारत की कुछ ऐसी ही फोर्सेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। मार्कोस मरीन कमांडो। दोस्तों, मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस यानी समुद्री कमांडो, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है, इसका प्रशिक्षण शायद दुनिया में सबसे मुश्किल है, जिसमें कमांडो शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए तैयार किए जाते हैं। इसका मकसद काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन ऑन किसी जगह का खास निरीक्षण, नेशनल वारफेयर, होस्टेज रेस्यूकर्स, पर्सनल रिकवरी और इस तरह के खास ऑपरेशनों को पूरा करना है। देश के ये कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। मार्कोस को यूएस नेवी के स्पेशल फोर्स सील्स की तरह ट्रेंड किया गया है। मार्कोस ने कारगिल वार, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। गरुड़ कमांडो फोर्स। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स ने 2004 में अपने एयर बेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेंड किया गया है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयर फोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। इनका लक्ष्य होता है प्रहार से सुरक्षा। ये हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। कमांडो फोर्स कोबरा। कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्पेशल फोर्स है। इन्हें वेश बदल कर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुनिया के बेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। यह घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए भी भेजा जाता है। कोबरा फोर्स के कारनामे हमेशा गुप्त ही रहते हैं। दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया गया है। घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है, जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। यह थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं, ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। यह दुश्मन के इलाकों में छापा मारते हुए जाते हैं। बड़े बड़े जंगी हथियारों से यह दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो तक का वजन लेकर मीलों तक दौड़ाया जाता है। एलीट पैरा कमांडोज। दोस्तों, एलीट पैरा कमांडोज के कमांडो इजरायली टेयोर असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। यह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी लड़ सकती है। एलीट पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। ये भारतीय सेना में एकमात्र इकाई है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देती है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों में से केवल 10-20% लोग ही इसकी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। NSG।
एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढकर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने बड़ी ही समझदारी से संभाला था। SPG दोस्तों, अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में दिखने वाली SPG को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसका गठन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। अब इसके कमांडो फोर्स प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपको ये भारत के जाबाज और बहादुर कमांडो कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके भी दिल में भारत और भारतीय सेना के प्रति प्यार है तो इस वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ ही इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिख रही घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।